हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको एक्सेल की शीट में बैंक अकाउंटिंग डेटाबेस बनाना सिखाएंगे। बैंक अकाउंटिंग डेटाबेस का मतलब है जैसे कि आपको जो ब्याज मिलता है, जो आप अपनी एफडी अकाउंट खुलाते हो उसमें कितना, किस हिसाब से ब्याज मिलता है, कैसे कैलकुलेट होकर कितना मिलता है। चलो गाइस, तो बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट एक्सेल की शीट पर चलते हैं। तो हम चलते हैं एक्सेल की शीट पर, एक्सेल। ओके, तो ये हमारा एक्सेल ओपन हो चुका है। एक मिनट। हाँ जी, तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो। ओके, हाँ इतना ठीक है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसकी हेडिंग डाल देते हैं लगभग इतने में, इतना काफ़ी है। हाँ इतना काफ़ी है, ठीक है। इसमें हम इसको सेल को मर्ज करके इसमें हेडिंग डाल देते हैं, बैंक बैंकिंग अकाउंटिंग ट्रेनिंग, बैंकिंग अकाउंटिंग ट्रेनिंग। ओके, अब उसको सेलेक्ट करके थोड़ा जूम कर देते हैं, जूम। ओके, थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, बस ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमको स्टार्ट करना है। तो यहाँ हमको पहले डालना है सीरियल नंबर, सीरियल नंबर। उसके बाद हमको डालना है कस्टमर नेम, उसके बाद डालना है हमको कस्टमर नेम, कस्टमर नेम। उसके बाद हमको डालना है बैंक नेम, बैंक नेम। उसके बाद हमको डालना है एफडी अमाउंट, मतलब कितनी अमाउंट की एफडी है, एफडी अमाउंट। ओके, उसके बाद हमको डालना है इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट TREST, इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट का मतलब है कितना इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, ठीक है, कितना इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, इंटरेस्ट रेट, INTEREST, इंटरेस्ट रेट। ओके, उसके बाद हमको डालना है यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन, मतलब कितने साल के लिए एफडी खुली है। ओके, टाइम ड्यूरेशन, ठीक। उसके बाद हमको डालना है, हाँ यहाँ पर हम डालते हैं, यहाँ पर हमको डालना है टाइम ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन, सॉरी वो इरेज हो गया था। उसके बाद यहाँ पे हमको डालना है टाइम ड्यूरेशन के बाद FP, FP का मतलब है फिक्स डिपॉजिट, FP। ओके, अब इन सबको सेलेक्ट करके डायरेक्ट इनको फॉर्मेट का ऑप्शन पे जाएंगे, ऑटो फिट कॉलम विथ करेंगे तो ये अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा, ऑटो कॉलम के साइज अपने हिसाब से हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हम सीरियल नंबर डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, यहाँ पर हम कस्टमर का नेम डालते हैं, सचिन पुंदेल। उसके बाद डालते हैं संदीप कुमार, संदीप, संदीप कुमार का के बड़ा, संदीप कुमार। उसके बाद हमको डालना है सुधीर मोहन, सुधीर मोहन, सुधीर मोहन। उसके बाद हमको डालना है आशीष शर्मा, आशीष शर्मा, आशीष शर्मा। उसके बाद फिर हमको डालना है धीरज त्यागी, धीरज त्यागी, धीरज त्यागी। के बाद हमको डालना है दीपक प्रजापति, दीपक, दीपक की स्पेलिंग गलत है, दीपक प्रजापति। ओके, अब उसके बाद हम डाल लेते हैं राम कुमार, राम कुमार। उसके बाद डाल लेते हैं राजा वर्मा, ठीक है, राजा वर्मा। ये हमारे कस्टमर नेम्स डाल चुके हैं। ओके, अब हम बैंक का नेम डालते हैं, ठीक है। जैसे सचिन पुंदर की बैंक का नाम है
पंजाब नेशनल बैंक। ओके, अब सचिन कुमार के है नहीं, संदीप कुमार का है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स CUMERCE कॉमर्स। ओके, अब उसके बाद सुधीर मोहन की बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, अब उसके बाद हम डालते हैं आशीष शर्मा की बैंक का नाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद हम डालते हैं धीरज त्यागी का इलाहाबाद बैंक। उसके बाद डालते हैं दीपक प्रजापति का आई सी आई सी आई बैंक। उसके बाद एच डी एफ सी बैंक। ओके, उसके बाद हमको डालना है आई डी बी आई बैंक। ओके, ये हमारी बैंक के सारे नेम डल चुके हैं। इधर आके ऊपर जैसे ये एरो चेंज हो जाएगा, उस पर डबल क्लिक करेंगे, अपने आप ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, कॉलम अपने आप बढ़ जाएगा। अब हम एफडी का अमाउंट डालते हैं। एफडी का अमाउंट पहले डाल देते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 लाख। यहाँ डालते हैं 6 लाख, उसके बाद यहाँ डालते हैं 8 लाख, 5 है ना, हाँ 8 लाख। उसके बाद डालते हैं यहाँ 12 लाख, उसके बाद यहाँ डालते हैं 1,50,000, उसके बाद हम यहाँ डालेंगे 18 लाख, उसके बाद यहाँ डालेंगे 6,50,000। ओके, उसके बाद यहाँ डालेंगे 7,45,000। ओके, ये हमारे डल चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद इंटरेस्ट रेट लगाते हैं, मतलब कितना इंटरेस्ट मिलता है, 7%। ओके, उसके बाद 6%, उसके बाद 8%। ओके, उसके बाद 12%, ठीक, उसके बाद 13%, उसके बाद फिर से 13% के बाद 11%, 9.50, मतलब 9.5%, मतलब 9.5%। ओके, और इसमें 8.5%। ओके, ये हमारा हो गया इंटरेस्ट रेट। टाइम ड्यूरेशन, मतलब ये हम साल के हिसाब से डालते हैं, लगभग कितने साल, मतलब इसमें 5 साल, ठीक है, यहाँ पर 8 साल, यहाँ पर 10 साल, यहाँ पर 15 साल, यहाँ पर 14 साल, ठीक है, और यहाँ पर 8 साल, 7 साल, और लास्ट में 5 साल, ठीक है। अब हमको ये FV निकालना है, ठीक, तो FV निकालने के लिए पहले इसका कॉलम साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इसमें फॉर्मूला लगाने के लिए पहले लगाएंगे इक्वल, उसके बाद इस ऑप्शन पर जाएंगे FV पे, ठीक, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ डालेंगे FV, ठीक है, गो के ऑप्शन पर जाएंगे, FV आ गया, ठीक है, उसके बाद करेंगे ओके, ये ऑप्शन खुल के आएंगे, ठीक। पहले हमको रेट डालना है, रेट कितना है, 7%, ये रहा रेट 7%, ठीक, तो यहाँ पर डालेंगे रेट 7%, ठीक है, अरे यार उसके बाद एंटर नहीं करना था, एक मिनट, यहाँ पे दोबारा से हम फिर से फॉर्मूले पे जाएंगे, इस फॉर्मूले पे जाके कुछ सर्च करना है FB, ठीक, उसके बाद गो के ऑप्शन पे जाना है, ठीक, उसके बाद ओके करना है। सबसे पहले पूछ रहा है रेट, ठीक है, तो यहाँ हम रेट डालेंगे 7% रेट। ओके, उसके बाद ये पूछ रहा है NPER, मतलब कितने साल, मतलब टाइम ड्यूरेशन पूछ रहा है, कितने साल लगेंगे, ठीक, तो इस ऑप्शन पे जाके हमको डालना है 5 साल, ठीक। फिर उसके बाद PMT का कुछ नहीं, ठीक है, PV का मतलब होता है कितना अमाउंट कितना है, ठीक, यहाँ डालेंगे 5 लाख, तो 3 4 5, हाँ ये हो गया 5 लाख।
ओके। अब नीचे ऑप्शन पे आना है टाइप, तो इधर टाइप पे हमको जीरो करना है, जीरो, ठीक है, उसके बाद करना है ओके। ठीक, तो ये हमारा निकल के आ गया। ठीक, तो हमको इतने में इतना रुपया हमको मिलेगा, लगभग 7,01,275, ठीक है, हमको इतना रुपया मिलेगा। ओके, फिर से एक बार ट्राई करके देखते हैं। इक्वल फॉर्मूले के ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ करेंगे एफ बी, गो के ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है, एफ बी आ गया, ओके करेंगे। अब पहले इंटरेस्ट रेट डालेंगे 6%, ठीक, 6%, ओके। अब यहाँ पर हम डालेंगे कितने साल, लगभग 8 साल, ठीक है। और पी एम टी पे कुछ नहीं डालना है, पी बी पे कितना अमाउंट है, 6 लाख, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 नहीं 5, ठीक है, ये हो गया 6 लाख। ओके, टाइप पे हमको जीरो टाइप करना है, ओके, क्या ओके करना है, ठीक, इसमें भी निकल आया। ठीक, आप डायरेक्ट इसको सेलेक्ट करके फिर हम ट्रैक कर देंगे। ओके, ये निकल आया आपका सारा एफ बी अमाउंट, ठीक, ये आपका इतने साल बाद इतना मिलेगा, ठीक है, आपका इतने साल बाद इतना मिलेगा। ठीक, लगभग सचिन पुंदिर का पंजाब नेशनल बैंक से बैंक अकाउंट है, ठीक है, उसमें उन्होंने एफडी खुलाई है 5 लाख की, उसमें 7% इंटरेस्ट रेट मिलता है, मतलब 7% ब्याज मिलता है, 5 साल की उनकी एफडी है। ठीक, जब उनका 5 साल बाद एफडी टूटेगी तो उनको कितना पैसा मिलेगा, तो ये फिक्स डिपॉजिट यहाँ लिख के आ गया है 7,01,275 रुपये, ठीक है, 275 रुपये और 87 पैसे। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा डिज़ाइन कर देते हैं, इसको सेलेक्ट करके डायरेक्ट हम इसमें बैकग्राउंड कलर कर देते हैं ब्लैक, वर्ड कलर कर देते हैं येलो, उसके बाद थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। ओके, अब हम डायरेक्ट इसमें सेलेक्ट करके इनमें कलर भर सकते हैं अपने हिसाब से, इसमें हम भर देते हैं ब्लू और यहाँ पे वाइट। ओके, अब इन दोनों में हम एक साथ कलर भर देते हैं येलो, एंड ये हो जाएगा, ये होएगा ब्लैक, और बैकग्राउंड कलर कर देते हैं येलो। ओके, ठीक है, और इन तीनों के एक साथ सेलेक्ट करके, तीनों को एक साथ सेलेक्ट करके हम यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं ब्लैक, यहाँ पे कर देते हैं येलो। येलो एंड ब्लैक माय फेवरेट कलर, इसलिए हम बार बार कर रहे हैं, आप जो चाहो वो कर सकते हो। ओके, यहाँ पे वर्ल्ड कलर कर देते हैं हम ब्लू, और ये कर सकते हैं हम कुछ भी जो आप चाहो। ठीक है, ठीक, उसके बाद हम इसमें पूरा बॉर्डर लगा देते हैं। ठीक, डायरेक्ट सेलेक्ट करेंगे पूरा, उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे बॉर्डर सेलेक्ट, इस ऑप्शन पे जाएंगे, इसमें डायरेक्ट ऑल बॉर्डर पे करेंगे, ये देखिए हमारा बॉर्डर हो चुका है। ठीक, और हम बिल्कुल किनारे किनारे जो बॉर्डर होता है उसको थिक कर देते हैं थोड़ा मोटा। ठीक है, और डायरेक्ट इस पे जाएंगे, इसको सेलेक्ट करके, पहले इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको हम दोबारा से लिखेंगे, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसको जाके मर्जन सेंटर करेंगे, तो ये दोबारा से लाइनिंग आ जाएंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे जाते हैं, इतना ही मर्ज करेंगे अब हम। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन पे जाके थोड़ा इसका छोटा करेंगे इसे। ठीक है, अब यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके थोड़ा बड़ा कर देते हैं, अब सही लग रहा है ना। अब इसका बैकग्राउंड कलर फिल कर सकते हैं अपने हिसाब से जो चाहें, ये हम इसमें बैकग्राउंड कलर फिल कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ठीक, ये हमारा हो गया बैकग्राउंड कलर। ओके, तो ये हमारा सेव पूरा फुल बन के तैयार हो चुका है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।